बिलासपुर के करोट जामली के समीप एचआरटीसी की बस हादसे में मृतक और घायलों की आधिकारिक तौर पर प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। पुलिस विभाग के प्रवक्ता संजय कुमार ने जारी बयान में बताया कि दुर्घटना के दौरान बस में सवार एक महिला व एक पुरुष को मृत घोषित किया गया है, जबकि 25 बस यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 2 बस यात्रियों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि 23 बस यात्री क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटनाओं के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बुधवार शाम के समय होने के कारण राहत व बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आईं। बावजूद इसके जिला पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार व जिला बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य का जायजा भी लिया। आज जैसे आपको ज्ञात है, नालागढ़ से जयनगर जो बस जा रही थी वाया जामली होके, वो तकरीबन जो फीड से रिपोर्ट आ रही है उसमें 100 मीटर के आसपास नीचे की तरफ गिर गई है, जिससे 2 कैजुअल्टी अभी तक बताई जा रही है। 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है और बाकी 25 इसमें इंजर्ड थे, और जो 25 में से 2 हमने रेफर किए हैं पीजीआई, बाकी सब 23 लोगों का यहां पे उपचार चल रहा है। कुछ लोगों को मेजर इंजरी है, जैसे वहां पीछे आप देख रहे हैं, इनको तकरीबन बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा शायद 70 टांके लगे हैं, और भी कुछ लोगों को फ्रैक्चर है, पर ओवरऑल जो है अभी तक कैजुअल्टी की संभावना और अभी नहीं है। तो टोटल कुल मिलाकर 27 लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जिनमें से 2 ब्रॉड डेड। एक्सीडेंट का रीजन क्या रहा है सर? कुछ एक्सीडेंट का रीजन वही बता रहे हैं कि 100 मीटर के आसपास बस नीचे चली गई है, बाकी अभी जांच में पता लगेगा कि क्या इसमें एग्जैक्टली बस के गिरने का कारणों का तो पता नहीं लग पाया है, और हमारी सारी टीम एम्बुलेंस डॉक्टर्स दोनों एसडीएम सब वहां पे। जी हाँ, फौरी रात का सारा अरेंजमेंट है, जो मृतक है उनको 25,000 के तौर पर अभी फौरी रात एकदम से दी जाएगी, जिनको मेजर इंजरी डॉक्टर्स बताएंगे उनको 10,000 और बाकी उनको 5,000 जैसे कि एज पर नॉर्म्स है, और ही राहत दे दीजिए।